अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। अपने लिए टाइम निकालना और अपनी सेल्फ केयर करना भी जरूरी होता है। अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तभी आप दूसरों को भी प्यार बांट पाते हो। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी सेल्फ केयर कर लूँ। बहुत दिनों से मेरे जो बाल हैं वो एकदम झाड़ू जैसे हो गए, और होली के बाद तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं। तो आज मैं अपने बालों के लिए बनाने जा रही हूँ एक तेल। तो उसके लिए मैंने करी पत्ता, एलोवेरा और गुड़हल के फूलों को तोड़ लिया है। करी पत्ते का पेड़ जो है ना मेरे घर में नहीं है, वो पड़ोस के घर में है, तो वहीं से मैं करी पत्ता तोड़ के लेके आई हूँ। और आरिकेत भी मेरे साथ गया था, क्योंकि जब भी मुझे गेट से कहीं बाहर जाना होता है ना, तो उसे तो मेरे साथ जरूर जाना होता है। एलोवेरा मेरे घर पर है और गुड़हल का पेड़ तो आपने देख ही रखा है। जब भी गुड़हल का फूल खिलता था ना, तो शाम होते होते वो मुरझा जाता था, तो मैं उसे तोड़ लेती थी। और कुछ गुड़हल के फूल आज भी ताजे खिले हुए थे, तो मैंने उन्हें भी आज तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी को ना अच्छे से पहले धो लेंगे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत धूल मिट्टी तो लगी होती है, इसीलिए इसे धोना बहुत जरूरी है। और धोने के बाद हम इसे किचन टावल के ऊपर रखेंगे और दूसरा किचन टावल लेंगे और इसे अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे हमें इसे तेल में पकाना है। तो जब हम इसे ऐसे ही डाल देंगे ना तेल में, तो तेल के जो छींटे हैं वो गिरेंगे, तो इसीलिए इसे अच्छे से साफ करेंगे पहले और इसे सुखा देंगे। और अब मैं इन सभी को ना अच्छे से पकाऊंगी तेल में। तो इस तेल को पकाने के लिए ना मैंने एक छोटी सी कढ़ाई रखी हुई है अपने पास। जब भी मैं अपने बालों के लिए तेल बनाती हूँ ना, तो मैं इसी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। और जब मैंने इस कढ़ाई को खरीदा था ना, तो मुझे ये कढ़ाई बहुत बड़ी लगती थी, और अब जब मैं तेल बनाने लगी हूँ तो मुझे ये कढ़ाई छोटी लगती है। और इसमें मैंने डाला है 500 ml नारियल का तेल। अब गर्मी आने वाली है, तो मैं अपने बालों में नारियल तेल ही लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा जो डब्बा है नारियल तेल का, उसको बिल्कुल खाली कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा, कलौंजी, करी पत्ता, मेथी दाना। तो एलोवेरा को मैंने यहाँ पे रफली काट लिया है, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी एलोवेरा को। तो एलोवेरा के ना बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एलोवेरा। वैसे तो एलोवेरा में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन बालों को ये एकदम मॉइस्चर देता है और शाइन भी देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा चूज़ किया है अपने बालों के लिए। इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें कलौंजी, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कड़ी पत्ते से हमारे जो बाल होते हैं ना, उसकी ड्राइनेस कम हो जाती है, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी बनाते हैं हमारे बालों को और मजबूत भी। मेथी दाना भी हमारे बालों को मजबूत बनाता है और मुलायम भी, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें ना इसमें ऐड की हैं। और ये मैं काफ़ी टाइम से अपने बालों में लगाती आ रही हूँ इस तेल का, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार में ही आपके बालों में ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको ना कोई भी चीज़ एक बार में यूज़ करने से इसका फ़ायदा नहीं दिखाई देगा। आप इसे लगातार यूज़ करोगे, तभी इसका फ़ायदा हमें दिखाई देता है। इन सभी को हमने अच्छे से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि तेल का जो कलर है ना, वो हल्का सा चेंज ना हो जाए। और ये देखिए, हमारा जो तेल है वो बनकर रेडी हो गया, और इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया। सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है, और अब मैंने इसे ठंडा होने दूंगी। तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है, और अगले दिन तक मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया था कढ़ाई में, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ना इसमें डाली हुई मैंने, जैसे गुड़हल, एलोवेरा, मेथी दाना, करी पत्ता, ये सब इसके अंदर ना इन्फ्यूज़ हो जाए तेल के अंदर। और इसके बाद मैंने इसे एक अलग सी बॉटल में निकाल दिया है। मैं अपने बालों में ना तो कोई कंडीशनर यूज़ करती हूँ, ना ही कोई मेहंदी और ना ही कोई कलर। केवल मैं अपने बालों की केयर के लिए ये ऑयल यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये तेल रेडी किया ना, वैसे ही अरुणिमा ने कहा कि पहले मेरे बालों में ये ऑयल लगा दो, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। तो मैंने पहले उसके बालों में तेल लगाया, और उसके बाद ही मेरा नंबर आया बालों में तेल लगाने का। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।